सीएम मोहन यादव बीजेपी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं और इसी क्रम में वो गाजीपुर पहुंचे जहां के जंगीपुर क्षेत्र के शेखपुर में गांव में उन्होंने सभा को संबोधित किया। सीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी हार के बाद अमेठी छोड़कर भाग गए, केरल के बाद समुन्दर आ गया, नहीं तो अरब जाकर चुनाव लड़ते। उनके भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं, पहले अमेठी बर्बाद कर दी, अब रायबरेली की तरफ बढ़े हैं, या रायबरेली से लड़ेंगे? बताओ आप, चुनाव कभी हार की होती रहती है, लेकिन हार से इतना डर कि ऐसे भागे, लोग कहते हैं कि वो तो केरल के आगे समुद्र आ गया था, तो वायनाड से लड़े, ये तो अरब में जाके लड़ते, उनको तो जगह ही नहीं मिल रही, वो कहां तक भाग रहे हैं। और वापस आने का मौका आया सीएम मोहन यादव ने यूपी के बलिया जिले के बैरिया में बीजेपी प्रत्याशी की जनसभा को संबोधित किया जहां उन्होंने परिवारवाद को लेकर निशाना भी साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। वीरा शेखर मोहन यादव, एक बार आप जोरदार तालियों, आपके अंग वस्त्र कौन है? 25 परिवार जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक तरह से अपनी ठेकेदारी बता दी कि जब भी कोई मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, उसी परिवार में से बनेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री जोरदार तालियां बजाए नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने ये मिथक तोड़ा, एक गरीब आदमी गरीब परिवार से निकला हुआ। एमपी में बीते दिनों अलग अलग शहरों में हुए रेप, मर्डर और सरकारी कर्मचारियों पर हमले जैसे मामलों को लेकर अब सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस की माने तो जनता की सुरक्षा का सवाल है, सड़कों पर संघर्ष जारी रहेगा। इसी के साथ ही पार्टी ने विधानसभा के मानसून सत्र में भी आवाज उठाने की बात कही, तो वहीं एनएसयूआई यूथ कांग्रेस भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में लगी हुई है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सीएम मोहन यादव का सुदर्शन चक्र अपराधियों पर चल रहा है। जनता आज त्राहिमाम है, परेशान है, लेकिन कोई सुध नहीं है। हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे लोग जगह जगह पूरे हर जिले में जहां भी घटनाएं घटती हैं बताते हैं। हम लगातार, ठीक है, हम विपक्ष में, हमारा काम है बोलना, और हम कोशिश ये करेंगे कि ये जागें, ये सोए हुए जो मोहन यादव जी हैं ये जाग जाएँ, नहीं तो आने वाला सत्र भी आने वाला है। और सड़कों पर एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, हमारे तमाम संगठन पूरी ताकत से इस निष्क्रिय सरकार का विरोध करेंगे। बिल्कुल, लोकतंत्र भी है और कानून व्यवस्था के ऊपर जीरो टॉलरेंस भी है मोहन जी की सरकार की। और जिस प्रकार से मोहन जी ने, आप देखिए, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए मुरली बजा करके अनेकों योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, और जो अपराधी हैं उनके ऊपर उनका मुष्टिका प्रहार, वज्रदंड या सुदर्शन चक्र चल रहा है, बुलडोजर चलता है, और ये आगे भी चलता रहेगा।